आज हम ड्रम स्टिक की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, चार ड्रम स्टिक है ये। और इसको गर्म पानी, उबलते पानी में डाल के ड्रेन कर देना है, ज्यादा उबालना नहीं, थोड़ी कड़क रहनी चाहिए ये। और इसमें ये हमने थोड़ा सा हंग कर्ड लिया है, हंग कर्ड इसमें डाल देंगे। और इसमें हम नमक दाने वाले मसाले डाल देंगे, एक चम्मच नमक हो गया, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची, ये सब डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। 10 मिनट के लिए रख देंगे इसको। इसको हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको तड़का मारेंगे। अभी हम ये काजू और खड़े मसाले डाल के, काजू, मूंगफली और तिल डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अभी तेल गर्म कर दिया है, इसमें हम ये ड्रम स्टिक डाल देंगे। इसके ऊपर हम अभी ये काजू का पेस्ट बनाया है, काजू, मूंगफली और थोड़े से तेल, इसको ऊपर से डाल देंगे। इसको मिक्स करने के बाद टोमेटो प्यूरी भी डाल देना है ऊपर इसके। और ये मसाला भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है इसमें। और अभी लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, और इसको अच्छे से चला के पूरा इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। ये पूरा मिक्स कर देंगे। अभी ये दो टमाटर की प्यूरी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको पकने देंगे, अभी जब तक टमाटर छोड़ नहीं जाता तेल। एक चम्मच ये सब्जी मसाला डाल देंगे, ये थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब इसको ऐसे 15 मिनट के लिए पकने देंगे, ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे। गैस को मीडियम हाई में करते हैं। ये मसाला अच्छे से भून गया है, अभी इसके ऊपर आधा कप पानी डाल देंगे। ये प्याज हमने अलग से तल के रख लिए थे, इसको ऊपर से डाल देंगे। अभी इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे और सब्जी खाने के लिए तैयार हो गई। इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे।